हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है कंजेनाइटल यूरोलॉजिक एनोमलीज। कंजेनाइटल कहने का क्या मतलब है? जो बर्थ के समय हो। यूरोलॉजिक मतलब कि जो यूरिन सिस्टम, यूरिन फॉर्मेशन में जो हेल्प करता है वो सिस्टम में एनोमलीज आ जाना। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा? तो इसमें जैसे कि कॉमन रीनल एनोमलीज देखने को मिलेंगे, एबनॉर्मल नंबर होगा, जैसे कि एक हो सकता है, दो होना चाहिए लेकिन एक हो सकता है, एजिनेसिस किडनी बनेगा ही नहीं, एबनॉर्मल पोजीशन या फॉर्म, जैसे कि वो बीन शेप होता है, उसके अलावा कोई शेप हो जाए, कॉमन ब्लेडर एनोमेली जैसे कि ब्लेडर एक्सट्रोफी, कॉमन यूरेथ्रल एंड पेनाइल एनोमेली जिसको हाइपो एस्पादियासिस या ईपी एस्पादियासिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो यूरेथ्रल ओपनिंग होता है मेली मेल में, ये पेनिस के ऊपर या पेनिस के नीचे होगा सामने के बजाय, कॉमन यूरेथ्रल एंड रीनल पेल्विस एनोमेलीज जिसमें कि यूपीजे ऑब्स्ट्रक्शन, वेसिको यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन। यूपीजे ऑब्स्ट्रक्शन कहने का क्या मतलब है? जहाँ पर किडनी का पेल्विस और यूरेथ्रा जहाँ पर मिलता है वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। वेसिको यूरेथ्रा रिफ्लेक्स कहने का क्या मतलब है? जैसे कि ये किडनी है हमारा, ठीक है, यहाँ से यूरेथर निकला है, यहाँ पर हमारा ब्लेडर होता है, तो ये जहाँ पर मिलता है ना ब्लेडर से उसी को हम कहते हैं, ये कौन सा पाथ कहते हैं, वेसिको यूरेथ्रल पाथ कहते हैं, उसमें जो रिफ्लेक्स होता है उसको वेसिको यूरेथ्रा रिफ्लेक्स कहते हैं। डुप्लीकेशन हो जाना, यूटेरो सीली इक्टोपिक यूरेथ्रल और कॉमन जेनाइटल एनोमेली जैसे कि अनडिसेंडेड टेस्टिस। मैंने आपको बताई थी जब पढ़ा रही थी, टेस्टिस क्या होता है, ऊपर से नीचे जाता है और हमारा किडनी नीचे से ऊपर जाता है, ये डिसेंड होता है और ये असेंड होता है, तो ये एनोमेलीज हो जाएगा, इंटरसेक्स एनोमेलीज। सबसे पहले आते हैं रीनल एजिनेसिस, मतलब किडनी का न बनना। ये यूनिलेटरल भी हो सकता है और बाईलेटरल भी हो सकता है। यूनिलेटरल में रीनल एजिनेसिस में मेले जो मेजोनेफ्रिक डक्ट होता है ना वो फेल हो जाता है डेवलप करने में, और इसमें एब्सेंट हो सकता है यूरेटर, ट्राइगोन, किडनी। मेले ये बॉयज़ में देखें तो वाज डिफरेंस भी एब्सेंट हो सकता है। अगर यूनिलेटरल रीनल एजिनेसिस है तो ये कम्पैक्ट टिवल है लाइफ के साथ, मतलब कि ये लाइफ इंसान जी सकता है। तो इसमें होता क्या है, क्या देखने को मिलता है, ज़्यादातर लेफ्ट किडनी एब्सेंट होता है, ठीक है, इसको कंपनसेशन सही करने के चक्कर में जो राइट किडनी होता है वो जितना साइज होना चाहिए उससे ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है, जिसके कारण ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस देखने को मिलता है और इसके कारण क्रोनिक किडनी डिजीज होता है। अगर बाइलेटरल हो जाए तो बाइलेटरल मतलब कि दोनों किडनी नहीं रहेगा, ठीक है, तो ये दोनों जो मेजोनेफ्रिक डक्ट है वो फेल हो जाएगा डेवलप करने में, और ये इनकम्पिटिबल विथ लाइफ होता है, इसमें लाइफ ना के बराबर होता है। ये होता क्यों है? तो एमनियोन नोडोसम के कारण, और इसके कारण क्या होता है, एमनियोन नोडोसम होता है और पॉटर सीक्वेंस होता है। तो पॉटर सीक्वेंस कहने का क्या मतलब है, इसके नाम में ही इसका पूरा दिया हुआ, POTTER, पी से परमोली हाइपोप्लेसिया देखने को मिलता है, ये मेली ओलिगो हाइड्रोएमियोन के केस में देखने को मिलता है, ओलिगो, उसके बाद टी से ट्विस्टेड लिम्ब होगा, टी से ट्विस्टेड स्किन, वाशरमैन जो होता है ना, जैसे कि कपड़ा खींचता है धोबी, उसका हाथ कैसे एकदम मोड़ा मोड़ा सा होता है वैसा हो जाएगा, ई से एक्सट्रीमिटीज डिफेक्ट होंगे और आर से रीनल एजिनेसिस होता है, ठीक है। पॉटर फेसेज में आपका जो फेस होगा वो फ्लैट होगा, ईयर जहाँ पे होना चाहिए उससे लो होंगे, माइक्रोग्नेथिया मतलब जो टुड्डी है ना वो अंदर की ओर रहेगा, ठीक है। एमनियोन नोडोसम कहने का, ओमनियोन नोडोसम जो होता है वो कंसीडर किया जाता है प्लासेंटल हॉलमार्क के सीवियर और प्रोलॉन्ग ओलिगो हाइड्रोएमियोन में, ठीक है, इसमें नोड्यूल्स फॉर्म होते हैं एमॉर्फस ग्रेनुलर मटेरियल का जो प्रेजेंट होता है सरफेस ऑफ एमनियोन को, जिसे को हम कहते हैं एमनियोन नोडोसम, ठीक है। तो पहला रीनल एजिनेसिस हो गया। दूसरा हॉर्स शू किडनी, इसमें क्या होता है ना,
जैसे कि हमारा ये किडनी अलग अलग है, ठीक है। ये जो लोअर पोल है ना, ये एक दूसरे से सेपरेट होना नहीं हो पाते हैं, ये फ्यूज रहते हैं, जिसके कारण ये हॉर्स शेप सू किडनी कहलाता है। इसका अगर अपीयरेंस देखेंगे आईवी पे, तो या तो दो मैन ऐसे नहीं हैंडशेक कर रहा है, ऐसा फीलिंग होगा, ठीक है। तो इसमें बहुत जो मेटा नेफ्रॉन है वो फ्यूज रहेंगे दोबारा एक साथ, या उनमें जो रोटेशन होगा वो भी एक साथ होंगे, क्योंकि उनका जो लोअर पोल है वो ज्वाइंट है। फीटस ग्रो करता है ज्वाइंट किडनी का, और ये इन्फीरियर और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के पास होता है L3। अब आते हैं तीसरा, जिसका नाम है यूटेरो पेल्विक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्स, PUJ या UPJ ऑब्स्ट्रक्शन। ये होता क्या है? पेल्विक यूटेरिक ये जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन या यूटेरिक पेल्विक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन, इसमें सिंपल भाषा में कहें तो ये हमारा क्या है, किडनी है, यहाँ जिससे निकलता है उसको यूरेटर कहते हैं, लेकिन ये यहाँ वाले पात को हम क्या कहते हैं, पेल्विक कहते हैं, ठीक है। यहाँ से इस तरह से यूरेटर निकल रहा है, जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं ना जंक्शन, वहाँ पर ही क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ये मेनली यूनिलेटरल होता है, लेफ्ट साइड में ज़्यादा कॉमन है, और ज़्यादा कॉमन होता है बॉयज में, ठीक है। चलिए पिक्चर से ही आपको दिखाती हूँ। तो ये क्या है, किडनी है, यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। तो ऑब्स्ट्रक्शन इन द जंक्शन बिटवीन रीनल पेल्विस एंड यूरेटर। इसका अगर एटियोलॉजी की बात करें तो ये एपेरिस्टाल्टिक सेगमेंट हो जाता है यूरेटर का, या ड्यू टू एब्सेंट मसल, यहाँ पे मसल नहीं होता है यहाँ, या यहाँ पे वेसल क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो कॉजेज होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं, एक तो कंजेनाइटल कॉजेज होते हैं, ठीक है, और दूसरा एक्वायर्ड कॉजेज होते हैं, AQUIRED एक्वायर्ड कॉज होते हैं। कंजेनाइटल में मेनली एट्रेसिया या एस्टिनोसिस यूरेटर का देखा जाता है PUG पे, और ये एबरेंट लेफ्ट लीनर आल्ट्री के कारण होता है। एक्वायर्ड कॉजेज में मोस्ट कॉमन जो होता है वो है किडनी स्टोन, इन्फेक्शन और इंस्ट्रूमेंटेशन के कारण भी एक्वायर देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये जो PUJ ऑब्स्ट्रक्शन है, इसमें पेशेंट को यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस होने का खतरा रहता है। ये कंडीशन डायग्नोसिस इवन बर्थ में भी हो जाता है, या जब वो फीटस अपने माँ के ये प्लस एमनियन के अंदर होता है उस समय भी हो जाता है। कैसे? तो वो ओलिगो हाइड्रोएमियन प्रेजेंट करता है, ठीक है। इसमें अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो ये कभी भी हो सकता है, बर्थ के पहले, बर्थ के बाद, चाइल्डहुड में, एडल्टहुड में, कभी भी हो सकता है। इसमें एब्डोमिनल मास, एब्डोमिनल पेन और हेमेटूरिया देखने को मिलेगा। यूजुअली ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन क्या होता है, पल्पेबल इंट्रा एब्डोमिनल मास यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने को मिलेगा। कभी कभी ये क्या होता है, पूरी तरह एसिम्प्टोमेटिक होता है, जब किसी और बीमारी की वजह से जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो ये इंसिडेंटली पता चलता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ च्वाइस में इन ये जो जो मेन है वो कौन सा है, DTPA स्कैन, कौन, DTPA स्कैन, ये डायग्नोसिस करता है ऑब्स्ट्रक्शन और फंक्शन ऑफ किडनी। अगर ये क्या हुआ, इक्विवोकल हुआ, तो प्रेशर लगेगा, जिसके कारण प्रेशर फ्लो स्टडी हम पढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं विताकर टेस्ट। अब ये विताकर टेस्ट क्या होता है, तो किडनी को पंक्चर करते हैं परकुटेनियसली और कंट्रास्ट करते हैं इस, और ये कब होता है, ये पहले हम किडनी को पंक्चर करते हैं परकुटेनियसली और कंट्रास्ट करते हैं, और ये इंजेक्ट होता है पेल्विस में, ठीक है।
उसी समय ये इंट्रा पेल्विस प्रेशर मेजर होता है। जब राइज होगा इंट्रा पेल्विक प्रेशर तो इसका मतलब कि क्या होता है, PUJ ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में ओपन ट्रीटमेंट या इंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट होगा। ओपन ट्रीटमेंट में गोल्ड स्टैंडर्ड कौन सा है, गोल्ड स्टैंडर्ड तो वो हो जाएगा एंडरसन हाइनी दिस मेंबर्ड पाइलोप्लास्टी, ठीक है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। इसके अलावा फोले VY पाइलोप्लास्टी या फ्लैप स्पाइरल या वर्टिकल पाइलोप्लास्टी हो सकता है ओपन के लिए। अगर इंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट करना है तो ये मेनली स्मॉल या इंट्रा रीनल पेल्विस के द्वारा इंडो पाइलोमेट्री या बैलून डायलेशन के कारण होता है, ठीक है। अब इसका जो गोल्ड स्टैंडर्ड एडर्सन ये हाइनी डिसमेंबर पाइलोप्लास्टी है, इसमें होता क्या है, जो ऑब्स्ट्रक्शन साइट है उसको रिमूव करेंगे और उसके बाद दोनों इंद को जोड़ देंगे। जैसे कि ये हमारा किडनी है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो इस ऑब्स्ट्रक्शन को पहले क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है इस तरह से, ठीक है, रिमूव हो गया। उसके बाद क्या करते हैं ना, यहाँ पर इसको इस तरह से जोड़ देते हैं और यहाँ पर इसको इस तरह से जोड़ देते हैं, ठीक है, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। इसके इवैल्यूएशन में जब IVP करवाएंगे तो डायलेटेड रीनल पेल्विस और कैल्किस सेक्स मिलेगा। रीनल स्कैन में मेली ये डिफरेंशियल करेगा रीनल फंक्शन और कंफर्म करेगा ऑब्स्ट्रक्शन को। ट्रीटमेंट में हम मेली ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम देखते हैं, स्टोन फॉर्मेशन देखते हैं, रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शन देखते हैं, प्रोग्रेस रीनल इम्पेयरमेंट देखते हैं और उसके अनुसार सर्जरी हम करते हैं। पाइलोप्लास्टी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, नेफ्रेक्टोमी में परफॉर्म किया जाता है अगर किडनी लेस देन 10% तो जितना भी फंक्शन करता है वो अफेक्ट हुआ है तो फिर हम नेफ्रेक्टोमी कर। इसके ट्रीटमेंट में एंटीग्रेड एंडोपाइलोटोमी या लेप्रोस्कोपिक पाइरोटोमी भी आजकल किया जाता है। वेसिको VESICO यूरेटेरिक रिफ्लक्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में VUR कहते हैं। अगर इसका कोई डिफिनीशन पूछे कि ये होता क्या है तो सिंपल भाषा में कह दीजिएगा, रेट्रोग्रेड फ्लो ऑफ यूरिन इनटू अपर यूरिनरी ट्रैक। अब ये रेट्रोग्रेड क्या होता है, जैसे कि आपको पता है ये हमारा किडनी है, ये यूरेटर निकला है किडनी से, ठीक है, फिर ये क्या होता है यूरिनरी ब्लेडर में जाता है, फिर यूरेथ्रा के तो बाहर निकल जाता है, यही मेनली फ्लो होते हैं। लेकिन अब क्या होगा, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा जिसके कारण ये फ्लो नीचे के बजाय ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, इसी को हम रेट्रोग्रेड फ्लो ऑफ यूरिन कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन समझ में आ गया। अब देखिए ये मेनली एसोसिएटेड होता है जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़े PUG, मतलब कि पेल्विक यूरेट्रल जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन से भी एसोसिएटेड हो सकता है। ये मेल और फीमेल दोनों में इक्वल मात्रा में होता है। इसके 5 ग्रेड होते हैं, सीवियरिटी पे बेस्ड होते हैं। सीवियरिटी मतलब कि ग्रेड 1 में क्या होता है ना, अभी रिफ्लक्स जो है वो नॉन डायलेटेड यूरेटर है, मतलब थोड़ा ऊपर तक ही गया है। ग्रेड 2 में क्या होता है, पेल्विस से कैलिक्स तक जाता है यूरिन लेकिन अभी भी कोई डायलेशन नहीं है। ग्रेड 3 में माइल्ड टू मॉडरेट डायलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। ग्रेड 4 में क्या है, मॉडरेट डायलेशन होता है और इसमें आपको दिखने लगेगा ये टॉर्सोसिटी। ग्रेड 5 में सीवियर डायलेशन और टॉर्सोसिटी देखने को मिलेगा रीनल पेल्विस यूरेटर और कैलेक्स में, ठीक है। इसका इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, इसका इवैल्यूएशन में ली मिक्टुरेटिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राफी के द्वारा करेंगे। ये गोल्ड स्टैंडर्ड
माना जाता है ये VUR के लिए, ठीक है। उसके बाद और दूसरा तो DMSA, DMSA डायूरेटिक रीनल स्कैन के द्वारा हम करेंगे। ये मेनली यूज होता है स्कारिंग और ये क्वांटिटी देखने के लिए कि रीनल फंक्शन कितना काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और देखेंगे जिसका नाम है ये रेडियो न्यूक्लियाइड सिस्टोग्राम। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, पहला तो देखा मिक्टुरेटिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राम, इसमें बायलेटरल डायलेटेड देखने को मिलता है रीनल पेल्विस और यूरेथ्रा में। दूसरा क्या देखा, रेडियो न्यूक्लाइड सिस्टोग्राम, ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है जो अभी मिक्टुरेटिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राम पर हैं, लेकिन इसमें क्या होता है लेस रेडिएशन होता है, ठीक है, मोर सेंसिटिव देन MCU लेसर रेडिएशन एक्सपोजर होता है, जिसके कारण ये गुड आइडिया नहीं दे पाता है स्ट्रक्चर इन्वॉल्वमेंट का। इसका मैनेजमेंट की बात करें तो एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस में ले दिया जाता है ग्रेड 1 और 2 वाला में, और 3 से 5 वाला में सर्जरी किया जाता है। कौन सा सर्जरी, तो यूटेरो वेसिकल री इम्प्लांटेशन सर्जरी। अब यूटेरो वेसिकल आपको याद नहीं है तो जहाँ पर जैसे कि हमारा क्या है ब्लेडर है, और ये मान लीजिए कि यूरेटर आया है किडनी से, ये यूरेटर और ब्लेडर जहाँ पे मिलता है उसी को हम कहते हैं यूरेटो वेसिकल, ठीक है। उसमें ही री इम्प्लांटेशन होता है या एंडोस्कोपिक इंजेक्शन किया जाता है, देखिए पिक्चर में देख रहे होंगे। इसको पढ़ना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि सबसे पहले इसके कारण ब्लेडर इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, और दूसरा अगर ये किडनी तक पहुंच जाए तो ये किडनी में भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर ब्लेडर में इन्फेक्शन होया हुआ है और वो रेट्रोग्रेड यूरिन फ्लो कर रहा है तो वो इन्फेक्शन ब्लेडर से कहाँ चला जाएगा, किडनी में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कौन से एज में ज़्यादा देखने को मिलता है, 2 से 3 साल के एज में ज़्यादा को देखने को मिलता है, ये फैमिलीज में रन करता है। ये सेकेंडरी रिफ्लक्स के कारण भी होता है, जैसे कि ओल्डर एज आफ्टर ब्लेडर इन्फेक्शन, ये चाइल्ड को यूरिनेट करने प्रॉपरली नहीं आता है, ये सब में होता है, ठीक है। डायग्नोसिस के लिए तो मैंने बता दिया, लेकिन उसके साथ साथ मेडिकल इंटरव्यू जिसमें हम हिस्ट्री लेते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, सिस्टोग्राम, अल्ट्रासाउंड और न्यूक्लियर रीनल स्कैन करते हैं, ठीक है। मेडिकल हिस्ट्री में हम ब्लेडर और किडनी इन्फेक्शन के बारे में पता करते हैं, ये यूरिनेशन करने में कोई इरिटेशन तो नहीं हो रहा है, उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं है, स्लो ग्रोथ या वेट गेन तो नहीं है, फैमिली हिस्ट्री में किसी को यूरिनरी प्रॉब्लम तो नहीं है। जनरल एग्जामिनेशन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन में ग्रोथ और डेवलपमेंट देखते हैं एज के अनुसार, और ब्लेडर और किडनी को फील करते हैं, ठीक है। इसका अगर माइनर मतलब कि माइल्ड डिजीज होया रहता है ना तो आप सेल्फ केयर कर सकते हैं। सेल्फ केयर कैसे किया जाता है, जितना हो सके उतना पानी पीजिए, नायलून अंडरवियर को अवॉइड कीजिए, खुद हाइजीनिक रखिए, टॉयलेट ट्रेनिंग रखिए, मतलब कि टॉयलेट जब हो तब जाइए रोकिए नहीं, ठीक है। उसके बाद अवॉइड रशिंग ऑन टॉयलेट, मतलब किसी भी टॉयलेट में नहीं चला जाना चाहिए, जो साफ सुथरा है उसमें जाना चाहिए। कीप बॉल मूवमेंट लूज और रेगुलर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना कि क्या रिफ्लक्स जो है वो डिसअपियर हो जाता है टाइम के साथ, तो जो बच्चों में होता है वो मेनली रिजॉल्व हो जाता है अपने आप, ठीक है। तो किसको ऑपरेट करने की ज़रूरत है, तो जिसको हाई ग्रेड VUR होया हुआ है या बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, या जो रिफ्लक्स है टाइम के साथ और ज़्यादा वर्सनिंग हो रहा है, मतलब कि और ज़्यादा हो रहा है। अब इसमें UTI इन्फेक्शन हुआ है तो इसके सिम्टम में क्या क्या दिखेंगे, अनएक्सप्लेन फीवर, फॉल स्मेलिंग यूरिन, पेन विथ यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट और अर्जेंट यूरिनेशन, ठीक है। तो अब एक ओवरव्यू कर लेते हैं,
वेसिको यूरेथ्रा रिफ्लक्स एक रेट्रोग्रेड फ्लो होता है यूरिन का, जो यूरिन ब्लेडर से फिर ये ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, यूरेथ्रल ऑरिफिस में क्या होता है, ज़्यादा लेटरल हो जाता है, ज़्यादा हायर या प्रॉक्सिमल हो जाता है, जिसके कारण इसके फंक्शन में डिफिशियंसी हो जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको रीनल इसके कारण आपको रीनल स्केयरिंग, हाइपरटेंशन और रीनल फेलियर देखने को मिलेगा, जो सेकेंडरी टू पाइलोनेफ्राइटिस है। ठीक है, इसमें दो अप्रोच होते हैं, बॉटम अप अप्रोच या फिर ये टॉप डाउन अप्रोच। तो बॉटम अप अप्रोच क्या होता है, इसमें अभी जो डायग्नोस्टिक अप्रोच है उसको पता कैसे चलता है, तो वो पता चलता है रीनल ब्लेडर अल्ट्रासाउंड के द्वारा। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में RUS लिखते हैं। दूसरा बॉयडिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राम के द्वारा या फिर डमसा के द्वारा। तो पता कैसे चलता है, तो देखिए जिसमें मेनली क्या होगा, बॉटम अप अप्रोच होगा, उसमें ये जो होंगे इंडिकेशन मेनली फर्स्ट फेब्राइल UTI के साथ होता है। ठीक है, क्या फर्स्ट फेब्राइल UTI के साथ होता है। इसमें जो पेशेंट हैं जिनको VUR होया हुआ है, उसमें एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस रीनल स्केरिंग देखने को मिलेगा। स्केरिंग भी मेनली Grade 3 या उससे ज़्यादा से ये एसोसिएटेड होता है। ये उन लोगों में देखा जाता है जिनमें ट्रॉमा ज़्यादा हो, मिस टॉयलेट ट्रेंड चिल्ड्रन में देखा जाता है। टॉप डाउन अप्रोच इसका आइडेंटिफाई ये मेनली इसलिए किया जाता है कि कहीं रीनल पैलेनकाइमा का तो इन्वॉल्वमेंट नहीं हो गया है, और ये मेनली ड्यूरिंग फेब्राइल UTI में किया जाता है, मतलब कि बॉटम वाला किया जाता है फेब्राइल के बाद, और ये वाला किया जाता है जब फीवर होता है उस समय। ठीक है, डुप्लीकेशन ऑफ यूरिनरी सिस्टम, इसमें हम मेनली फोकस करेंगे डुप्लीकेशन ऑफ यूरेटर में। मेनली क्या होता है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, मोस्ट कॉमन इन फीमेल, और बाइलेटरल देखा जाता है। इसके दो टाइप हैं, एक तो इनकम्प्लीट डुप्लीकेशन होगा, एक कम्प्लीट डुप्लीकेशन होगा। इनकम्प्लीट कहने का क्या मतलब है कि किडनी से डबल आएंगे लेकिन यहाँ पर नहीं मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक ही आके मिलेगा, आधा रह जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, बाइफीड यूरेटर कहते हैं। और दूसरा होता है कम्प्लीट डुप्लीकेशन, दोनों जो हैं वो यूरेटर में आके मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें भी दो रूल्स है, एक को कहते हैं एक रूल्स है ये कम्प्लीट डुप्लीकेशन में, जिसको हम क्या कहते हैं, बर्गेट वेगल्ट मेयर रूल्स। अब इसमें क्या होता है ये याद रखिएगा, इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। अगर ये मान लीजिए हमारा किडनी है, ठीक है, इस तरह से दो को निकाली हूँ, अगर ये सुपीरियर से आएगा तो जो हमारा ब्लेडर है, ठीक है, उसके इन्फीरियर में जाके मिलेगा, और अगर इन्फीरियर से आएगा तो सुपीरियर में आके मिलेगा। ये याद रखिएगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसी को हम वेगर्ट मेयर रूल कहते हैं। अपर पोल या सुपीरियर यूरेटर क्या होगा, कॉडल में आके मिलेगा, और जो मीडियल या लोअर पोल है वो कहाँ पे मिलेगा, तो सुपीरियर में मिलेगा। ठीक है, इसको अगर हम दूसरे लैंग्वेज में बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि जो सुपीरियर या अपर बोदल है ना, सुपीरियर या अपर पोल है, वो इंसर्ट होता है इनफेरोमीडियल ऑन द ब्लेडर, और ये ज़्यादा प्रोन होता है ऑब्स्ट्रक्शन का, स्पेशली यूटेरोसिली में क्या होता है, सिस्टिक इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, डायलेशन देखने को मिलता है, जो आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इन्फीरियर या लोअर पोल है, वो इंसर्ट होता है सुपीरियर लेटरल पार्ट ऑफ द ब्लेडर में, और ये ज़्यादा प्रोन होता है रिफ्लक्स का। ठीक है, यहाँ तक ये बेगर तो मेरा रूल लास्ट समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक है, अब इसका जो ये ऑरिफिस है वो ड्रेन कहाँ होता है, अपर सेगमेंट से हुआ तो वो ऑब्स्ट्रक्शन है, लोअर सेगमेंट से हुआ तो रिफ्लक्स है, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए,
अगर कंप्लीट DOU की बात करें, अब DOU क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ यूरेटर, तो मेनली इसमें अपर पुल जो होता है यूरेटर वो ऑब्स्ट्रक्शन होगा किसके कारण, तो यूटेरो सिली के कारण, और जो लोअर पोल यूरेटर है उसमें ये रिफ्लक्स के कारण, भेसिको यूरेथ्रा रिफ्लक्स ज़्यादा होता है, या फिर यो जो रिफ्लक्स होता है वो इनकम्प्लीट डुप्लीकेशन को दिखाता है, जिसमें रिफ्लक्स जब करवाएंगे यो रिफ्लक्स में क्या मिलेगा इनकम्प्लीट डुप्लीकेशन का, तो जब हम रेट्रोग्रेड पायलोग्राम करवाएंगे तो रिफ्लक्स ऑफ कंट्रास्ट मिलेगा दोनों लिम्ब ऑफ यूरेथर का, ठीक है। अगर कोई पूछे कंप्लीट ये डुप्लीकेशन ऑफ यूरेथर का मोस्ट कॉमन लोकेशन इक्टोपिक यूरेथ्रिक ऑरिफिस कौन सा है, तो मेल में प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जो प्रॉक्सिमल होता है एक्सटर्नल यूरिनरी इस पिक्चर का, फीमेल में जो ऑरिफिक्स होता है अपर पोल वो एंटीरियर यूरेथ्रा, और ये डिजिटल होता है एक्सटर्नल यूरिनरी इस पिक्चर का। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो फीमेल में कंटिनेंट और UTI के चांसेस बढ़ जाएंगे, फीमेल में मेनली ये कंटिन्यूस इनकंसिस्टेंस दिखाई देगा लेकिन नॉर्मल बॉयडिंग पैटर्न होंगे, ठीक है। जब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो IVP पे क्या मिलेगा डायग्नोसिस, अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो एडार हेड या कोबरा हेड अपेयरेंस। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो जो यूटेरोसिली है ना वो इस तरह से कि ये हमारा मान लीजिए ब्लेडर है तो इस तरह से उठ जाएगा ऐसा कोबरा के हेड की तरह, ठीक है, और इसको अदार हेड भी कहते हैं। और अगर यही जब रिफ्लक्स से आए तो मिक्टुरेटिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राम, ठीक है। ट्रीटमेंट में अगर अपर पो यूरेथर है तो उसका एक्सीजन करेंगे और री इम्प्लांट करेंगे ब्लेडर में, अगर लोअर पोल यूरेथर है तो उसका यूटेरोविसिको प्लास्टिक करवाएंगे, अगर अपर पोल हाइड्रोनेफ्रोसिस है उसका कोई फंक्शन नहीं है तो फिर अपर पोल नेफ्रोक्टोमी किया जाएगा। और IVP पे ये कैसा दिखेगा, तो ड्रॉपिंग लिली साइन, ड्रॉपिंग लिली साइन मतलब कि ऐसे जैसे कि कुछ गिर रहा है, ठीक है। ये मैं लास्ट में सबका रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन बताऊंगी इसलिए टेंशन नहीं ली। इक्टोपिक यूरेथर, पहले यूरेथर का नॉर्मल फंक्शन जानना पड़ेगा तब आप इक्टोपिक यूरेथर समझ पाएंगे, जैसे कि हमारा ये किडनी है, किडनी से इस तरह से यूरेथर निकलता है और फिर ये जाके यूरिनरी ब्लेडर में जाके इस तरह से मिल जाता है। तो इक्टोपिक यूरेथर में जो इसका नॉर्मल फंक्शन है, इस लोकेशन है, उसको छोड़ के कहीं पर भी जाके ज्वाइन हो, जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इक्टोपिक यूरेथर इज द वन दैट ओपन इन सम लोकेशन अदर देन ब्लेडर, ब्लेडर को छोड़ के कहीं पर भी है, तो कहाँ पर होता है, तो 80% तो ये डुप्लीकेटेड सिस्टम में होता है, मतलब कि डुप्लीकेट फॉर्म में होता है, और 20% सिंगल सिस्टम में होता है। अगर कोई पूछे मोस्ट कॉमन साइट क्या होगा फीमेल में ये यूरिनरी ब्लेडर को छोड़ के, तो यूरेथ्रा, वेस्टिब्यूल और वजाइना। फीमेल में मेनली प्रेजेंट होता है यूरिनरी इनकंसिस्टेंस, और मेल में मोस्ट कॉमन साइट कौन सा होता है, पोस्टीरियर यूरेथ्रा या सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। अब बात करते हैं यूटेरोसिली की। यूटेरोसिली होता क्या है, तो सिस्टिक डायलेशन, क्या इसका सिस्टिक CYSTIC सिस्टिक डायलेशन होता है टर्मिनल यूरेथर का। देखिए जैसे कि इस पिक्चर में दिखा रहा है, ये हमारा क्या है ब्लेडर है, यहाँ पर हमारा यूरेथर आ रहा है और यहाँ पर क्या हो गया इन्फ्लामेशन हो गया, इसी को हम कहते हैं यूटेरोसिली। ये मेरी कंजेनाइटल सिस्टिक बलोइंग है जो टर्मिनल सब मुकोसल यूरेथर में दिखा जाता है। ये मेल में मोस्ट कॉमन है। इसके टाइप दो टाइप होते हैं, सिंपल या एक्टोपिक। सिंपल कहने का क्या मतलब है, ये ट्राइगोन में होगा, एक्टोपिक मतलब कहने का क्या कारण है कि ये ऑब्स्ट्रक्ट करेगा ब्लेडर नेक को, ठीक है। तो ये इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये या तो इंट्रा इंट्रा वेसिकल होगा जो 20% में देखा जाता है, और एक्टोपिक जो होता है वो 80% में देखा जाता है। ये मेनली एसोसिएटेड होता है डुप्लीकेशन ऑफ यूरेथर से, ठीक है। जो इंट्रा वेसिकल यूरेथ्रोसिली या सिंपल
यह ऑर्थोपेडिक ऑर्थोटोपिक यूटेरोसिली है। इसमें टर्मिनल पाथ ऑफ यूरेटर सिस्टिक हो जाते हैं, डायलेटेड हो जाते हैं ब्लेडर के अंदर, और एक टोपिक में क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है यूरेटर या अपर पोल ऑफ यूरेटर का, जिसके कारण इसका एक टोपिक यूटेरिक ऑरिफिस होते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो इसमें रिकरेंट अटैक होगा, किसका तो यूटीआई का, और किसका तो यूरोसेप्सिस का। यूनिलेटरल हाइड्रो यूटेरो नेफ्रोसिस देखने को मिलेंगे, पल्पेबल मास देखने को मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो अल्ट्रासाउंड में मिली हाइड्रो यूटेरो नेफ्रोसिस देखने को मिलेगा, जिसमें सिस्ट होंगे। आईवीपी में एदर हेड या कोबरा हेड अपियरेंस होगा, अभी दिखाती हूँ थोड़ा देर में इसका आईवीपी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगा, तो आईवीपी ही है। एमसीयू में कैसा डिफेक्ट दिखेगा, तो फीलिंग डिफेक्ट होगा। मिक्टेटिंग सिस्टो यूरेथोग्राफी एमसीयू, इसमें मेनली फीलिंग डिफेक्ट दिखेगा ब्लेडर में। सिस्टोस्कोपी में इनलार्ज और कोलैप्सिंग सिस्ट देखेंगे ब्लेडर के अंदर। ट्रीटमेंट में टाइप पे डिपेंड करता है, इंट्राभेसिकल है, एक टॉपिक है। इंट्राभेसिकल है तो हम मेनली सिस्ट वाल को इंसीजन करते हैं और यूरिन को फ्लो होने देते हैं फ्रीली। एक टॉपिक में हम एक्सीजन करते हैं और उसका री इम्प्लांटेशन करते हैं उसका ब्लेडर में। मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल अपर यूरिनरी ट्रैक कौन सा है, तो वो हो जाएगा ये डुप्लीकेशन ऑफ यूरेटर जो ऑटोजोमल डोमिनेंट है। मोस्ट कॉमन एबनॉर्मिटीज ऑफ यूरोजेनाइटल ट्रैक क्या हो जाएगा, तो वो होगा VUR जो ऑटोजोमल डोमिनेंट है। देखिए यही है हमारा इतेरो सिली में जो कोबरा हेड वाला दिखता है ना अपीयरेंस, ऐसा लग रहा है ना कोबरा का हेड है इस तरह से, ठीक है। इसको हैदर हेड भी कहते हैं। अनडिसेंडेंट टेस्टिस इसका क्या मतलब होता है, जो स्क्रोटल का जो स्क्रोटम होता है ना यहाँ पे इस तरह से, इसमें टेस्टिस नहीं आ पाता है। तो यह कभी कभी एक होता है, कभी कभी दोनों टेस्टिस होता है। मतलब कि अगर टेस्टिस अपने स्क्रोटल पोजीशन पे नहीं आ पाए तो उसको हम अनडिसेंडेड टेस्टिस कहेंगे। एक टर्म होता है वेनेसिंग टेस्टिस, इसका मतलब कि स्टार्टिंग में इसका डेवलपमेंट होता है लेकिन बाद में किसी वैस्कुलर एक्सीडेंट या टॉर्सन हो जाने के कारण ये लॉस्ट हो जाता है। अगर ये यूनिलेटरल हुआ तो उसको क्या कहेंगे, मतलब कि एक टेस्टिस लॉस्ट हुआ तो उसको मोनोर्किया कहेंगे, और दोनों लॉस्ट हो गया तो उसको एनोर्किया कहेंगे, मतलब कि बना ही नहीं, ठीक है, मतलब अब टेस्टिस है ही नहीं बंदे में। एजिनेसिस कभी भी प्रेजेंट ही नहीं था। अभी जो टर्म बताए थे वेनेसिंग टेस्टिस, उसमें प्रेजेंट था स्टार्टिंग डेवलपमेंट में लेकिन बाद में लॉस्ट हो गया, लेकिन इसमें बना ही नहीं। क्यों, ये मेनली इप्सिलेटरल मुलेरियन डक्ट परसिस्टेंस के कारण हुआ होगा। कंजेनाइटल क्रिप्टोकाइडिज्म, इसमें टेस्टिस है ना वो बर्थ से ही एक्स्ट्रा स्क्रोटल पोजीशन पे है, मतलब कि वो स्क्रोटम में नहीं आ पाया, टेस्टिस है लेकिन वो आ नहीं पाया, डिसेंड नहीं हो पाया। रिकरेंट क्रिप्टोकाइडिज्म, इसमें टेस्टिस डिसेंड तो होता है लेकिन फिर से वो नॉन स्क्रोटल पोजीशन पे चला जाता है। एक्वायर्ड क्रिप्टोकाइडिज्म या टेस्टिकुलर असेंट, इसमें क्या होता है ना, टेस्टिस है जो स्टार्टिंग जब बर्थ होता है उस समय स्क्रोटम में होता है लेकिन बाद में वो एक्स्ट्रा स्क्रोटल पोजीशन में चला जाता है। सेकेंडरी क्रिप्टोकाइडिज्म, टेस्टिस जो है वो सुप्रा स्क्रोटम में होता है आफ्टर द इनग्यूइनल हर्निया रिपेयर, इसको हम टेस्टिकुलर रिट्रैक्शन, ये कॉम्प्लिकेशंस होता है ऑर्किडोप्लेक्सी। सेकेंडरी क्रिप्टोकाइडिज्म कहने का क्या मतलब है, पहले क्रिप्टोकाइडिज्म मतलब कि स्क्रोटम में नहीं आना, ये जो हमारा स्क्रोतम या टेस्टिस है इसका कोई कारण नहीं है, कोई और कारण से नहीं आ पाया, जैसे कि इनग्यूइनल ये हर्निया रिपेयर के बाद वो क्या हो गया स्क्रोतम में नहीं आ पाया, तो ऐसा ऐसा कारण। रिट्रैक्टाइल टेस्टिस, इस ये स्क्रोटल टेस्टिस है जो रिट्रैक्ट ईजिली हो जाता है स्क्रोतम से लेकिन मैनुअली रिप्लेस हो जाता है फिर से नॉर्मल स्क्रोतल पोजिशन पर, ठीक है। अगर कोजेनाइटल एनोमेलिस की बात करो तो क्रिप्टो ऑर्किडिज्म मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एनोमेलिज होता है, ठीक है। अब इसके जब इपिडर्मिलोजी की बात करें तो इपिडर्मिलोजी में क्या है, ये
3.4% से 5.8% फुल टर्म बॉय में देखा गया है, और ये मेनली एक साल के बाद 0.8% कम हो जाता है। इसका कॉजेज जो है वो क्लियर नहीं है, लेकिन एंड्रोजन है जो ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अनडिसेंडेंट टेस्टिस क्लासिफाई हुआ है अपर स्क्रोटम, दूसरा सुपरफिशियल इनग्यूनल पाउच, तीसरा इनग्यूनल कैनाल, चौथा स्क्रोटम में, देखिए पिक्चर में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद 80% जो केसेस होते हैं ना वो अनडिसेंडेंट टेस्टिस के, वो पल्पेबल होते हैं इनग्यूनल कैनाल में, ठीक है। एक्टोपिक टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टिस ऑफसाइड पाथ ऑफ नॉर्मल डिसेंट, जो पाथ होता है ना उससे कहीं अलग होता है, जैसे कि पिनाइल में, फिमोरल में, पेरिनियल में, रेट्रोवेसिकल में या सुप्रा इनग्यूनल पाउच में। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, तो इसके कॉम्प्लिकेशंस मेनली दो मेजर कंसर्न है, एक तो टेस्टिकुलर कैंसर जो मेनली 10 times हायर हो जाता है नॉर्मल टेस्टिस में, और दूसरा सब फर्टिलिटी मेनली स्पॉन्टेनियस डिसेंट हो जाने के कारण अनडिसेंडेंट टेस्टिस मेनली क्या होता है, रेयर हो जाता है आफ्टर द एज ऑफ 1 year, 1 year के बाद ये रेयर देखने को मिलता है। एग्जामिनेशन में हम स्पेशली अंदर एनेस्थेसिया करते हैं, ये मोर एक्यूरेट होता है देन इमेजिंग, ठीक है। लैप्रोस्कोपी किया जाता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में फॉर नॉन पल्पेबल टेस्टिस या वेनेसिंग टेस्टिस। इमेजिंग में हम अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एमआरआई करते हैं, एमआरआई मेनली इनएक्यूरेट होता है। क्रोमोजोमल और इंडोक्राइन इवैल्यूएशन किया जाता है बायलेटरल नॉन पल्पेबल टेस्टिस के लिए, ये देखिए इंटरनल रिंग है, ये स्पर्मेटिक वेसिकल्स है और ये वैस है। मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मैनेजमेंट मेनली दो तरह से किया जाता है, एक तो ऑर्किडोपैक्सी और एक ऑर्किडेक्टोमी। अगर टेस्टिस फेल्थ हो जाए इनग्यूनल कैनाल या उसके नीचे, तब ये ऑर्किडोपैक्सी किया जाता है। ऑर्किडेक्टोमी कब किया जाता है, जब एट्रोपिक इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस हो और ये मेनली पुबर्टी के बाद डिटेक्टेड हो, तब ये किया जाता है मेलिग्नेंसी से बचाने के लिए, ठीक है। रिट्रैक्टाइल टेस्टिस ये कॉमनली कंफ्यूज होता है अनडिसेंडेंट टेस्टिस में, टेस्टिस डिलीवर होता है ये स्क्रोटम में, लो अनडिसेंडेंट टेस्टिस होता है और इमीडिएटली वो फिर से चला जाता है अनडिसेंडेंट पोजीशन पे आफ्टर बीइंग रिलीज। हाइड्रोसिली, हाइड्रोसिली होता क्या है, इसमें एक कलेक्शन ऑफ फ्लूइड होता है एक या दोनों टेस्टिकुलर के चारों तरफ, जिसके कारण स्क्रोटम और ग्रोन एरिया में इन्फ्लामेशन होता है। ये मेनली मैन में और 40 साल के ऊपर के लोगों में देखा जाता है। ये दो तरह का होता है, कम्युनिकेटिंग और नॉन कम्युनिकेटिंग। जो कम्युनिकेटिंग जो नॉन कम्युनिकेटिंग होता है उसमें जो सैक होता है वो क्लोज होता है, लेकिन अब हमारा जो बॉडी है वो कोई ऑब्जर्वेशन नहीं करता है फ्लूइड का, जो रिमेनिंग फ्लूइड है वो ऑब्जर्व होता है इनटू द बॉडी विद इन द ईयर। और जो कम्युनिकेटिंग है उसमें क्या होता है, सैक जो होता है टेस्टिकुलर के चारों तरफ वो क्लोज नहीं रहता है, और इसके कारण फ्लूइड जो है अंदर और बाहर कर सकता है। तो इस तरह से जो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिली है उसमें इनकम्प्लीट ऑब्लिगेशन देखा गया है प्रोसियस वेजिनालिस में, ठीक है। उसके बाद इत्योलॉजी क्या हो सकता है इसका, तो इत्योलॉजी में कॉजेज ऑफ इत्योलॉजी मेनली इसके अननोन है। इन्फ्लामेशन होता है इन्फेक्शन के कारण इपिडिडिमिस या टेस्टिकल्स में, जिसके कारण ये देखा जाता है, ठीक है। ये 40 साल के ज़्यादा के लोगों में देखा जाता है। हाइड्रोसिली ऑफ कोड क्या होता है, इसमें कंप्लीट ऑब्लिगेशन होता है कहाँ पर, तो मिड पोर्शन पे। नॉन कम्युनिकेटिंग ये सेकेंडरी होता है, माइनर ट्रॉमा, टॉर्सन, इपिडिडिमिस, वेरिकोसिली ऑपरेशन, ट्यूमर, ये सब का। तो ट्रीटमेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या होगा, इनडायरेक्ट इनग्यूनल हर्निया होगा। देखिए इस तरह से कम्युनिकेटिंग और नॉन कम्युनिकेटिंग रहता है। कम्युनिकेटिंग में क्या है, जो पेटेंट प्रोसेस वेजिनालिस होता है, और नॉन कॉम्पिटेंट में
इस तरह से रहता है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी कनेक्शन नहीं, इसमें कनेक्शन है जिसके कारण जा सकता है लिक्विड, ठीक है। डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे, डायग्नोसिस में मेली स्क्रोटल का अल्ट्रासाउंड किया जाता है, 100% सेंसिटिविटी होता है डिटेक्ट करने में इंट्रा स्क्रोटल लेसन, डोपलर अल्ट्रासाउंड स्टडी से हमें जो हाइड्रोसिली है और वेरिकोसिली है उसमें डिफरेंस पता चलता है, ठीक है। इसका अगर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखें तो इसमें स्वेलिंग ऑफ स्क्रोटम, पेन सम टाइम, रेडनेस ऑफ स्क्रोटम, फीलिंग ऑफ प्रेशर, टेस्टिकुलर टॉर्शन, इनफर्टिलिटी, ये सब हो सकता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ट्रांस लुमिनेशन करेंगे। ट्रांस इल्यूमिनेशन क्या होता है, ये टेस्ट होता है जो मेनली आइडेंटिफाई करता है एबनॉर्मलिटीज को ऑर्गन में और बॉडी के भीतर में। टेस्ट मेनली डार्क रूम में परफॉर्म किया जाता है, ब्राइट लाइट शाइन करता है ये स्पेसिफिक बॉडी पार्ट में अंदर द स्किन। अल्ट्रासाउंड ऑफ स्क्रोटम जो होता है वो डन किया जाता है ताकि रूल आउट कर सके प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड को। ब्लड टेस्ट मेनली रूल आउट करता है इन्फेक्शन को, ठीक है। ट्रीटमेंट में मेनली सर्जरी होता है इंडिकेशन। सर्जरी अगर न्यू इन्फेंट है ना जिनको हाइड्रोसिली है तो उसमें कभी कभी वो अपने आप चला जाता है विद इन ए ईयर, बट अगर नहीं गया और लार्ज हो रहा है तब हमें सर्जरी की ज़रूरत होती है। नीड एस्पिरेशन किया जाता है, स्क्लेरोथेरेपी किया जाता है रीएक्युमुलेशन को रिड्यूस करने के लिए। एडल्ट में हाइड्रोसिली टिपिकली अपने आप चला जाता है 6 मंथ में। इंडिकेशन ऑफ सर्जरी, अब सर्जरी करेंगे तो इंडिकेशन क्या क्या है, तो कनकमिटेंट इंग्यूनर हर्निया होना चाहिए या फिर अंडरलाइंग टेस्टिकुलर पैथोलॉजी होना चाहिए। ये जो सिंपल स्क्रोटर हाइड्रोसिली है ये परसिस्टेंट लगातार 2 साल से ज़्यादा होना चाहिए, और इसकी जो टेंडेंसी है अपने आप सही होने का 1 साल के बाद वो मेनली 90% होता है। अगर वो नहीं हुआ तो फिर ये सर्जरी कर सकते हैं। अगर पैटेंट प्रोसियस वेजिनालिस है, उसका लिगेशन हो गया है इंग्यूनल इंसिजन करते समय, तब सर्जरी कर सकते हैं। हाइड्रोसिली ऑफ कॉर्ड है, सिस्टिक मास है जो इंसीज्ड हो गया या अनरूप्ड है, तब हम सर्जरी कर सकते हैं। एस्क्लेरोसिंग एजेंट शुड नॉट बी यूज, क्योंकि ये क्या करता है तो केमिकल पेरिटोनाइटिस को बढ़ाता है। स्क्रोटर अप्लोस यूज होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंडरी नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिली के लिए, ठीक है। फिमोसिस, फिमोसिस क्या होता है, इनएबिलिटी टू रिट्रैक्ट द प्रीप्यूस, मतलब कि इसमें जो जैसे कि इजैकुलेशन करते समय जैसे ग्लैंड्स पेनिस के ऊपर जो स्किन होता है वो आगे पीछे होता है ना, वो नहीं हो पाता है। मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है फॉर स्किन वो नहीं हो पाता है, या रिट्रैक माने ग्लैंड पेनिस के ऊपर वो स्किन आगे पीछे नहीं हो पाता है। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है फिमोसिस का, क्रोनिक इन्फेक्शन, और ये क्यों होता है तो पुअर हाइजीन के कारण। तो इसका जो अदर कॉज है वो क्या है, कंजेनाइटल, एक्वायर्ड में ट्रॉमा, पेनिस कैंसर, बलेंटिस जीरोटिका ओब्लिटिकंस। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक तो प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी फिजियोलॉजिकल को कहते हैं, सेकेंडरी पैथोलॉजिकल को कहते हैं। तो प्राइमरी फिजियोलॉजिकल में कोई भी साइन नहीं रहेंगे स्कार का, और सेकेंडरी पैथोलॉजिकल में स्कार रहेगा जैसे कि बताए बलेंटिस जीरोटिका ओब्लिटिकंस, ठीक है। प्राइमरी जो है ना उसमें एडहेरसन हो जाता है ये प्रीपूस और ग्लैंड्स के बीच में, और इसके कारण इपिथिलियल डिसिक्वेमाइजेशन हो जाता है, पिनाइल ग्रोथ होते हैं, इरेक्शन होता है जिसके कारण मेनली 2 लेयर में सप्रेशन होता है। ये जो ओपनिंग होते हैं ना इसमें बहुत ही ज़्यादा नैरो होते हैं, तो फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको ड्राइंग बैक करने में प्रॉब्लम होगी ग्लैंड्स पेनिस के ऊपर। जो इनर मुकोसा है फॉर स्किन का वो पॉट आउट हो जाएगा जैसे कि फ्लावरिंग होता है, ठीक है। कंजर्वेसिव ट्रीटमेंट यूज किया जाता है और इसमें हाइजीनिक करने को कहा जाता है। सेकेंडरी पैथोलॉजिकल है, इसमें ऑटो इम्यूनिटियोलॉजी के कारण हो सकता है जो अफेक्ट करता है ग्लैंड्स, यूरेथ्रल मेटस और यूरेथ्रा को। स्कार फीचर को थिक करता होने के कारण ये होता है।
इस पर कोई भी फ्लावरिंग नहीं दिखती, और ये चाइल्ड में रेयर होता है, ज़्यादा कॉमन एडल्ट में होता है, और ये एसोसिएटेड होता है कि ये पेनिस कैंसर का। अगर कोई पूछे मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होगा, तो डिफ़िकल्टी इन मिक्टोरेशन, बाथरूम करने में प्रॉब्लम होगा। उसके बाद चिल्ड्रेन में क्यों होता है, तो बलोइंग ऑफ प्रीपूस, और एडल्ट में डिफ़िकल्टी होता है इंटरकोर्स के समय। तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकते हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस में इन्फेक्शन हो सकता है ग्लैंड पेनिस में, तो ये जिसके कारण इंक्रीज रिस्क हो जाता है ब्लेनोथियासिस का। सेक्रिएशन के कारण जो सेक्रिएशन है वो सोलिडिफाई हो सकता है, जिसको हम प्रीपिचुअल कैलकुलाई कहेंगे। क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो सकता है, तो ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, तो हम चिल्ड्रेन को कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे, जैसे कि स्टेरॉयडल क्रीम अप्लीकेशन करने कहेंगे 4 से 6 वीक के लिए। सरकम सीजन करने कहेंगे, क्या करने कहेंगे, सरकम सीजन। इन चिल्ड्रेन में क्या होता है, ये मेनली प्रीफर्ड होता है, लेकिन यंग पेशेंट में प्रीफर्ड नहीं होता है, क्योंकि ये कोऑपरेटिव नहीं होता है लोकल एनेस्थेसिया के द्वारा। ये यंगर एज में परफॉर्म होता है, वो भी जब इंडिकेशन हो तब। तो इंडिकेशन क्या क्या होता है सरकम सीजन का, तो अगर एक बार हम स्टेराइडर क्रीम का अप्लीकेशन किए फिर भी कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है 16 से 18 साल के एज में, सेकेंडरी फिमोसिस है, ठीक है, BXO जो अभी पढ़ाए थे, BXO का फुल फॉर्म क्या था, तो BXO का फुल फॉर्म था मेनली ब्लेनिटिस जीरोटिका ऑब्लिटेरियंस, ठीक है, तो इसके कारण मेनली होता है। रिकरेंट बार बार ये आ रहे हैं, जो मेनली ईबोलाई के कारण होता है, और ये एंटीबायोटिक का एनर्जेसिक से भी सही नहीं हो रहा, सही हो रहा है फिर से आ रहा है, बार बार ETI इन्फेक्शन हो रहे हैं। उसके बाद ये एसोसिएटेड अगर हो जाए VUR से, तब हम सरकम सीजन करेंगे। कंट्राडिक्शन किस में होता है, कोगुलोपैथी, एक्यूट लोकल इन्फेक्शन, हाइपोस्पादियसिस और ब्यूरिट पेनिस, ठीक है। तो इसके हाइपोस्पादियसिस से पहले एक और टर्म होता है, उसको समझाती हूँ, जिसका नाम है पाराफीमोसिस। ये एक्वायर्ड कंडीशन होता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, तो इसमें मेनली फॉर्मेशन हो जाता है रिंग जैसा प्रीपूस के चारों तरफ, मतलब कि जो ग्लैंड्स हैं उसके चारों तरफ प्रीपूस का रिंग जैसा फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि एक बार अगर ये प्रीपूस रिट्रैक हो गया तो वो दोबारा नॉर्मल पोजीशन में नहीं आ पाता है। कौन सा प्रीपूस, PREPUC। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, रिंग का फॉर्मेशन होता है ग्लैंड्स पेनिस के चारों तरफ, जिसके कारण जो लिम्फेनिक ड्रेनेज है वो इम्पेयर हो जाता है, ग्लैंड्स में इडीमा आ जाते हैं, वेनस ड्रेनेज इम्पेयर हो जाता है, इडीमा उससे उसके कारण इडीमा होता है, आर्टेरियल सप्लाई इम्पेयर होता है, जिसके कारण गैंग्रीनी का फॉर्मेशन होता है। इसमें यूरिन फ्लो से कोई लेना देना नहीं, उसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है। तो फिर क्या ट्रीटमेंट करेंगे, आइस वैक का अप्लीकेशन करेंगे, मैनुअल कॉम्प्रेशन करेंगे, हायलुरोनेज का इंजेक्शन करेंगे, उसके बाद अगर नॉन रिस्पॉन्डिंग पेशेंट है तो उसमें सरकम सीजन करेंगे। एक और टर्म है जिसका नाम है प्रियापिज्म। इसमें क्या होता है, परसिस्टेंट पेनफुल इरेक्शन होता है इन एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट और डिजायर, और ये इवेंट सेक्सुअल एक्साइटमेंट और डिजायर के बाद भी रहता है, मतलब कि जैसे कि सेक्स किए तो वो जो ग्लैंड पेनिस के ऊपर जो प्रीपूस है वो आगे पीछे हुआ, उसमें भी क्या होता है पेन रहता है, आप ये सेक्स करने के बाद भी या सेक्स करने के पहले भी, तो उसी को हम प्रियापिज्म कहते हैं। इसमें मीन ड्यूरेशन पेनफुल का 24 आवर रहता है इरेक्शन के बाद। ये एक इमरजेंसी और डिले ट्रीटमेंट है, जिसके कारण अगर डिले हो गया ट्रीटमेंट में तो कैवर्नोसल ये फाइब्रोसिस या इम्पोटेंस हो सकता है, और ये विद इन 6 आवर्स में ट्रीटमेंट होना चाहिए ताकि कॉम्प्लिकेशन से बचा सके। ये दो तरह का होता है, हाई फ्लो लो फ्लो, हाई फ्लो और लो फ्लो।
जो हाई फ्लो होता है वो नॉन इस्कीमिक होता है, लो फ्लो इस्कीमिक होता है। हाई फ्लो क्यों होता है? तो पेनाइल ट्रामा के कारण, पेरिनियल ट्रामा के कारण या ड्यू टू आल्ट्रियल साइनोसॉइडल संत के कारण। और लो फ्लो तो सिकल सेल एनेमिया, ल्यूकेमिया, फैट एम्बोली, स्पाइनल कोड लेसन, मलिग्नेंट पेनाइल इन्फ्लामेशन या ट्राजाडोन इंजेक्शन के कारण होता है। अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स में अगर चिल्ड्रेन हैं तो 5 से 10 साल के एज में जिसको सिकल सेल डिजीज है उसमें पेनफुल इरेक्शन देखने को मिलता है, मेनली नाइट के टाइम में। एडल्ट में इक्टियोजेनिक है, मतलब कि अननोन कॉज है। डायग्नोसिस तो मेनली ये क्लिनिकल होता है, डोपलर हेल्प करता है डायग्नोसिस में। ट्रीटमेंट में अगर पेशेंट विद इन 4 से 6 आवर्स में आ गया तो फिर आप केटामाइन इंजेक्शन दीजिए, जो ग्रेटर देन 50% पेशेंट को में इम्प्रूवमेंट लाता है। अगर तब भी इम्प्रूवमेंट नहीं है तो एस्पिरेशन और सराइन इरीगेशन कीजिए, तब भी इम्प्रूवमेंट नहीं है तो हायलुरोनिडेज का इंजेक्शन दीजिए। अगर हाई फ्लो प्रियापीज में होया हुआ है तो सेलेक्टिव इंटरनल पुडेंडल एंजियोग्राफी कीजिए, फॉलो बाई इम्बोलाइजेशन ऑफ फीडिंग वेसल्स। अनदर सर्जिकल ऑप्शन में क्या होता है, संत, जो ब्लड आता है ना कॉर्पोरा कैवर्नोसा को उसको संत कर दो। तो कॉर्पोरा ग्लैनुलर संत होता है जो विंटर संत के नाम से कहलाता है। कॉर्पोरा स्पॉन्जियल संत होता है जो ये क्वाकेल या सैकर संत के नाम से कहलाता है। कॉर्पोरा सेफेनस संत होता है जो ग्रेहैक संत के नाम पे आता है। कॉर्पोरा डॉर्सल संत होता है जो बेरी संत BARRY बेरी संत के नाम से आता है, SHUNT संत के नाम से आता है, ठीक है। हाइपोस्पाडियस ये मेनली कंजेनाइटल एनोमेलीज ऑफ यूरेथ्रा में आता है, ठीक है। इसमें यूरेथ्रा है जो अंडर डेवलपमेंट होता है, ये मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज है यूरेथ्रा का। इंसिडेंट तो ये हाइपो जो स्पाडियस है 250 बच्चे में एक में देखा गया है। ये होता क्यों है, तो ये जो यूरेथ्रल फोल्ड है उसका फ्यूजन सही से नहीं हो पाता है इसलिए ये होता है। इसमें मियतस प्रेजेंट होता है वेंट्रल एसेप्ट में, देख रहे हैं कहाँ पे प्रेजेंट है पिक्चर में, मतलब कि दो तरह का होता है, एक तो हाइपोस्पाडियस एक होता है इपी स्पाडियस। अगर पेनिस के ऊपर में होगा तो इपी या पेनिस के नीचे में होगा तो हाइपोस्पाडियस, ठीक है। यूरेथ्रल फोल्ड क्लोज हो जाता है पोस्टीरियर टू एंटीरियर डायरेक्शन में। इसके 3 एनोमलीज हैं, एक तो एबनॉर्मल वेंट्रल ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रल मियतस, दूसरा वेंट्रल कर्वेचर ऑफ द पेनिस, तीसरा जो प्रीपूस है वेंट्रली वहाँ पे डिफिशियंट हो जाते हैं। अगर हम इवैल्यूएशन करें तो पहले तो हमें इसके साइट का इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, सर्कमस्क्राइब है कि नहीं है, इससे एसोसिएटेड एनोमलीज, पिनाइल कर्वेचर, इसके टाइप बांटे गए हैं इसके अनुसार, ठीक है। तो ग्लैंडुलर हाइपोस्पाडियस देखिए ये जो नाम है ना, अगर यहाँ पर हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ हमारा यूरेथ्रा तो उसको कहेंगे ग्लैंडुलर हाइपोस्पाडियस, यहाँ पर हुआ तो क्रोनल हाइपोस्पाडियस, यहाँ पर हुआ तो सब क्रोनल, यहाँ पर हुआ तो डिजिटल, ये सब क्रोनल तक एंटीरियर पार्ट में आता है। उसके बाद मिडिल पाथ में कौन कौन आता है, डिजिटल पिनाइल हाइपोस्पाडियस, मिड सब हाइपोस्पाडियस और प्रॉक्सिमल पिनाइल हाइपोस्पाडियस। उसके बाद पोस्टीरियर में कौन कौन सा आता है, तो पेनो स्क्रोटल हाइपोस्पाडियस, स्क्रोटल हाइपोस्पाडियस और पेरिनियल हाइपोस्पाडियस। मोस्ट कॉमन अगर बोले तो वो होता है एंटीरियल टाइप में जो ग्लैंडुलर, कोरोनल और डिजिटल पेनाइल होता है, ये तीनों मोस्ट कॉमन होता है। जो कोरोनल हाइपोस्पाडियस है और जो डिजिटल पेनाइल हाइपोस्पाडियस है ये 70% केसेज में देखा गया है। मेनली जो हमारा यूरेथ्रा ओपनिंग रहता है ये बीच में रहता है, लेकिन हाइपोस्पाडियस में नीचे देखने को मिलता है और इपीस्पाडियस में ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है। एसोसिएशन किससे है, तो इसमें हुडेड प्रीपूस हो जाते हैं। आप प्रीपूस आप सोच रहे होंगे क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि हमारा
पेनिस होता है ना उसके ऊपर, जैसे कि ये पेनिस है, यहाँ पर जो फोर स्किन होता है ना उसी को प्रीपुस कहते हैं, जो आगे पीछे होता है, ठीक है। तो इसमें हुदेद क्या होगा, हुदेद प्रीपुस होगा, वेंट्रल कॉर्डी होंगे, फ्लैटेंट ग्लैंड पेनिस होगा, माइक्रोफेलस होंगे, इक्टोपिक मियतस के कारण ये हो सकता है, और कौन कौन से कारण हो सकते हैं, तो ये मियतस, स्टेनोसिस, एंटीरियर टाइप ऑफ हाइपोस्पैडियस, जो मेली सरकम सीजन इज कंट्राडिक्टेड होता है एंटीरियर टाइप ऑफ हाइपोस्पैडियस में, ठीक है। क्लिनिकल फीचर डिपेंड करता है टाइप पे, स्पेशली ग्लैंडुलर हाइपोस्पैडियस पे। अगर एंटीरियर टाइप है तो उसमें एबनॉर्मल स्ट्रीम ऑफ यूरिन होंगे, पोस्टीरियर टाइप है तो वहाँ पे डाउन वॉल कर्वेचर होगा पेनिस का, जिसके कारण कॉर्डी और पेनफुल इरेक्शन होगा। अगर प्रॉक्सिमल पिनाइल हाइपोस्पैडियस है तो एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स सेमन डिपोजिट हो जाएगा असद वजाइना, और उस इसी कारण वो इनफेंटाइल हो जाएंगे, मेकिंग देन इनफेंटाइल। एबनॉर्मल स्ट्रीम, पेनफुल इरेक्शन, इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट की बात करें तो बेस्ट एज ऑफ रिपेयर 6 से 12 मंथ होता है। पहला में मियतस एडवांटेज, दूसरा प्रिंसिपल में रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ग्लैंड पेनिस करते हैं। दोनों सर्जरी से परफॉर्म किया जाता है, जिसको हम MAGP1 कहते हैं। और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, पहला जो मेन ट्रीटमेंट है वो क्या है, MAGP1 मियतस एडवांसमेंट एंड ग्लैनुलोपैथी इंटीग्रेटेड, ठीक है। डेनिस ब्रॉन, उसके बाद थियार्स डुप्ले, ब्राकाज, मैथ्यू, असोपा एंड दुकेट, ये सब होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या आएंगे, देखिए ये एग्जांपल है। कॉम्प्लिकेशंस में मेनली क्या क्या देखने को मिलेगा, तो कॉम्प्लिकेशंस में रिकंस्ट्रक्शन के बाद इन्फेंट फीडिंग ट्यूब में भी इंसर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इंसर्ट नहीं किए तो पेशेंट को यूरेथ्रा फिस्तुला का कंप्लेन आ सकता है, ये 10% केसेस में देखा गया है, ठीक है। अब आते हैं इपी स्पैडियस, ये क्या है, ये भी यूरेथ्रल ओपनिंग का प्रॉब्लम है। इसमें यूरेथ्रल ओपनिंग कहाँ होता है, डॉर्सल एसेप्ट ऑफ पेनिस में, मतलब पेनिस के ऊपर में होता है, कंजेनाइटल कंडीशन है जिसमें यूरेथ्रल ओपन होता है डॉर्सल सरफेस ऑफ पेनिस। ये मेनली एसोसिएटेड होता है ब्रेदर एक्सट्रोफी या एक्टोपिया भेसी के, इसको भी पढ़ाएंगे थोड़ा देर बाद, ठीक है। तो ये एसोसिएटेड किससे होता है, इक्टोपिया भेसी के, डॉर्सल कॉर्डी और VUR, 40% पे VUR के कारण होता है। फीमेल में मेनली जो फीसर और क्लेफ्ट होते हैं ना, वो एंटीरियर वॉल ऑफ यूरेथ्रा में ओपन होते हैं, अबव द क्लोटिस। इसका क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो फीमेल में मेल डेवलपमेंट ऑफ यूरिनरी स्फिंक्चर, बाइफिड क्लिटोरिस, वाइडली सेपरेटेड लेबिया के कारण होता है, और मेल में अनडिसेंडेड टेस्टिस होता है। तो ट्रीटमेंट में इसमें 3 बार किया जाता है, पहला में हम इनकंसिस्टेंस को करेक्ट करते हैं, दूसरे में हम कॉर्डी को रिमूव करते हैं, तीसरे में यूरेथ्रा ओपनिंग को एक्सटेंड करते हैं टिल ग्लैंड्स, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं ब्लेडर एक्सट्रोपी में के बारे में। इसमें ब्लेडर है ना जो बाहर आ जाता है, क्योंकि इसमें लोअर एब्डोमिनल वाल का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। इसमें एनोमेलीज क्या क्या है, तो डिफेक्ट इन एंटीरियर एब्डोमिनल वाल, डिफेक्ट इन एंटीरियर बॉर्डर ब्लेडर वॉल, और इपी स्पैडियस। पोस्टीरियर यूरेथ्रल वल्व, अब ये क्या होता है, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वल्व, इसमें क्या होता है ना, कंजेनाइटल मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है डिजिटल प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में। ये जो मेम्ब्रेन बनता है ये ऑब्स्ट्रैक्टिव मेम्ब्रेन बन होता है, जो यूरेथ्रा का क्या काम है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू यूरिन बाहर निकलता है, उसको वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ठीक है। तो चलिए पहले हम यूरेथ्रा के स्ट्रक्चर में जानते हैं, तभी तो जानेंगे कि पोस्टीरियर यूरेथ्रा क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर ये मान लीजिए कि हमारा ब्लेडर है, ये हमारा यूरेथ्रा इस तरह से, ठीक है। ये जहाँ से मुड़ा हुआ है उसके पहले को हम पोस्टीरियर यूरेथ्रा कहते हैं,
मतलब कि ये पोस्टीरियर यूरेथ्रा है और ये वाला एंटीरियर यूरेथ्रा है, ठीक है। पोस्टीरियर यूरेथ्रा के दो पाथ होते हैं, जो प्रोस्टेट ग्लैंड के पास होता है उसको प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कहते हैं, और यहाँ पर जो होता है उसको मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा कहते हैं, ठीक है। ये डिवाइडेड होता है एक दूसरे से पेल्विक डायफ्राम से, नीचे यहाँ पर, ठीक है। जो स्टार्टिंग में होता है उसको बल्बो यूरेथ्रा कहते हैं, इसको पिनाइल यूरेथ्रा कहते हैं, और ये लास्ट में जहाँ से बाथरूम निकलता है उसको एक्सटर्नल मिएटस कहते हैं। तो प्रॉब्लम पोस्टीरियर में है, या तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा या मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम ये है ना कि ये वन वे वाल्व है, मतलब कि यहाँ से कुछ तो जा सकता है, ठीक है, लेकिन बाहर नहीं निकल सकता है। यहाँ तक समझने में कोई भी, इसकी इंसिडेंस की बात करें ना तो ये मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चरल कॉज होता है यूरिनरी आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन का पेडियाट्रिक्स पेशेंट में। मोस्ट कॉमन टाइप होता है ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी का, जिसके कारण चाइल्डहुड रीनल फेलियर देखने को मिलता है। ये 5,000 से 8,000 मेल बर्थ में से एक में होता है, और इसमें 10% क्या देखने को मिलता है, प्रीनेटल ये हाइड्रोनेफ्रोसिस से डायग्नोसिस होते हैं, ठीक है। इसका इतियोलॉजी, ये कंजेनाइटल भी हो सकता है, मेल फॉर्मेशन होता है पोस्टीरियर यूरेथ्रा के कारण, टाइप 1, टाइप 3 और टाइप 2 भी होता है, लेकिन टाइप 2 क्या होते हैं, रेयर होते हैं। टाइप 1 किसके कारण होता है, तो एबनॉर्मल इंसर्शन और एब्जॉर्प्शन ऑफ मोस्ट डिजिटल एस्पेक्ट ऑफ वोल्फेरियन डक्ट, ये ब्लेडर डेवलपमेंट के कारण के समय जो एबनॉर्मल इंसर्शन और एब्जॉर्प्शन होता है ना मोस्ट डिजिटल एस्पेक्ट ऑफ वोल्फेरियन डक्ट, उसके कारण ये होता है। टाइप 3 ये मेम्ब्रेन जो पोस्टीरियर यूरेथ्रा में होता है उसमें माना जाता है कि ओरिजिनेट हुआ इनकम्प्लीट कैनलाइजेशन से बिटवीन एंटीरियर और पोस्टीरियर यूरेथ्रा, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन मेनली, ये इसको कहते हैं यंग क्लासिफिकेशन। ये 3 तरह का क्लासिफिकेशन है। पहला में जो होता है ऑब्स्ट्रक्टिव मेम्ब्रेन के कारण होता है, जो एक्सटेंड करता है डिजिटली फ्रॉम इस साइड ऑफ वेरू, देखिए क्या होता है, डिजिटली एक्सटेंड करता है कहाँ तक, तो वेरुमोनटेनम तक, तो वास्ट मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, और फिर वो फ्यूज करता है एंटीरियरली। टाइप 2 जो है वो डिस्क्राइब होता है बाई कैप्सिड बल्ब और लीफलेट की तरह, जो रेडिएट होता है वेरुमोनटेनम से ब्लेडर नेक के तरफ। टाइप 3 जो है वो रिप्रेजेंट करता है डायफ्राम या रिंग लाइक मेम्ब्रेन, जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में होता है, या तो वेरुमोनटेनम से ऊपर या नीचे। इसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है ना, जिसके कारण क्या होता है, ब्लेडर को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, जिसके कारण ब्लेडर में थिकनिंग आ जाती है, तो ऑब्स्ट्रक्शन के कारण इंक्रीज कोलाजिनस डिपोजिट होता है, जिसके कारण मसल हाइपरट्रोफी होता है, जिसके कारण ब्लेडर वॉल में थिकनिंग आती है। हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेसिस जो होता है वो ये डेट्रूसर मसल में होता है, और ये इंक्रीज करता है कनेक्टिव टिश्यू को, जो लिमिट करता है ब्लेडर कंप्लायंस को। ब्लेडर इम्प्टीमेली होता है हाई इंट्राफेसिकल प्रेशर पे, जो ट्रांसमिट हो सकता है यूरेथर तक या तो रीनल कलेक्टिंग सिस्टम तक, ठीक है। तो पोस्टीरियर यूरेथ्रा वाल्व मेनली कंजेनाइटल डिसऑर्डर है बॉय में, ठीक है। इसमें बैकअप ऑफ यूरिन होता है, जिसके कारण किडनी प्रॉब्लम भी होता है, यूरिन फ्लो आउट नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें मेम्ब्रेनस फोल बन जाते हैं, जिसको हम कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्टिव पोस्टीरियर यूरेथ्रल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में इनलार्ज ब्लेडर होगा, यूटीआई इन्फेक्शन होंगे, पेनफुल यूरिनेशन होगा, बिग स्ट्रीम होंगे, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी होगा, बेड वेटिंग होगा, वेट गेन होगा, यूरिनेटिंग में डिफ़िकल्टी होगी। डायग्नोसिस अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा या फिर पैथोलॉजिक फाइंडिंग होगा, जैसे कि ये ब्लेडर का डायलेटेड और थिकनिंग हो जाना, ठीक है। ओलिगोहाइड्रोएमियोन में मेली देखा जाता है, या डायलेटेड पोस्टीरियर यूरेथ्रा में, इसको हम डायग्नोसिस करेंगे एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, वॉइडिंग, सिस्टो यूरेथ्रोग्राम, सिस्टोस्कोपी, रीनल फंक्शन टेस्ट या इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। वॉइडिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राफी गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। इनिशियल मैनेजमेंट पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ब्लेडर के अंदर यूरिन है उसको ड्रेन करेंगे। तो ब्लेडर ड्रेनेज क्या होता है,
मोस्ट कॉमन मैनेजमेंट होता है। इसमें क्या करते हैं, 5 to 8 ए फॉर पेडियाट्रिक्स फीडिंग ट्यूब डालते हैं। उसके बाद फोले कैथेटर इसमें यूज नहीं होता है, क्योंकि इसमें टेंडेंसी होता है बैलून का जो ऑक्लूड करेगा यूरेथ्रल ऑरिफिस को, जिसके कारण ब्लेडर स्पाज्म हो जाता है। ठीक है, इसमें फुलग्रेशन ऑफ पोस्टीरियर बल्ब करेंगे बाई इंडोस्कोपी, यूरिनरी डाइवर्सन करेंगे, रीनल फेलियर के मैनेजमेंट को बचाएंगे। ठीक है, उसके बाद करेक्शन करेंगे इलेक्ट्रोलाइट एनोमली, जैसे कि हाइपरकैलेमिया हो गया। इंटरवेंशन करेंगे, ट्रीट करेंगे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और यूरोसेप्सिस को। रीनल फंक्शन को मॉनिटर करेंगे कि सही हो रहा है कि नहीं। सर्जिकल में वल्व एब्लेशन, वेसिकोटोमी, अपर ट्रैक डाइवर्सन देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें जो ट्रांस यूरेथ्रल वल्व एब्लेशन करते हैं ना, उसमें हम इंसीजन करते हैं 5, 7 और 12 ओ क्लॉक पोजिशन में पेडियाट्रिक यूरिस्ट्रोस्कोप के द्वारा। इसमें अवॉइड किया जाता है यूरेथ्रल स्पिक्चर। कैथेटर ड्रेनेज किया जाता है 1 से 2 दिन के लिए, ये 2 मंथ तक किया जाता है, ताकि इंश्योर हो सके कि डिस्ट्रक्शन ऑफ वल्व हो चुका है। तो अगर हम समरी की बात करें तो ये एक सिस्टमेटिक फोल्ड होता है यूरोथेलियम पर, जिस जो स्टार्ट होता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा और एक्सटेंड करता है एक्सटर्नल यूरिनरी स्पिंक्चर तक। ये मेल को ज़्यादा अफेक्ट करता है। मोस्ट कॉमन जो होता है टाइप 1 होता है, जो वेरुमोनटेनम के जस्ट बिहाइंड होता है। पोस्टीरियर यूरेथ्रल वल्व सेकेंडरी होता है VUR का। क्लिनिकल फीचर्स में मेली 50% केसेस में VUR देखने को मिलेगा। अदर एसोसिएशन में ओलिगोहाइड्रोमियन, परमोली हाइपोप्लेसिया, रीनल पेरेनकाइमा डिस्प्लेसिया, ब्लेडर डिसफेक्शन। मोस्ट पेशेंट हैं जो आएंगे ये सिम्टोमेटिक होंगे आफ्टर बर्थ। बायलेटरल हाइड्रो यूटेरो नेफ्रोसिस देखने को मिलेगा, बायलेटरल पल्पेबल एब्डोमिनल मास, डिस्टेंडेड ब्लेडर, एस्काइट्स और ईटीआई इन्फेक्शन देखने को मिलेंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में MCU है, मिक्ट्यूरेटिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राम। प्री नेटल अल्ट्रासाउंड मेलिया थाइस वीक में ही की होल साइन दिखाता है। कैसा साइन? की होल साइन दिखाता है। ठीक है, मैनेजमेंट पे फर्स्ट स्टेप में हम इन्फेंट फीडिंग ट्यूब इंसर्ट करेंगे। ट्यूब के इंसर्शन के बाद हम क्रिएटिन देखेंगे। अगर क्रिएटिन नॉर्मल है तो इंडोस्कोपिक क्या करते हैं, तो इंडोस्कोपिक ये फुलगुरेशन करते हैं। देखिए, फुलगुरेशन करते हैं वल्व का। अगर रेज्ड है, इसका मतलब कि अभी तक देयर इज नो इफेक्टिव ड्रेनेज हुआ है, इसका मतलब कि सुप्रा प्यूबिक सिस्टोमी करेंगे बाय ब्लॉक्सन टेक्निक से। और अगर नॉर्मल है, उसके बाद नॉर्मल हो गया क्रिएटिन लेवल, तो इंडोस्कोपिक फुलगुरेशन करेंगे।